वेलकम टू चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास. आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. एवोल्यूशन हेयर मींस चेंज. बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हाउ वी कैन डिफाइन इट? द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का प्रोसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी पॉपुलेशन या खास स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके फॉर्म में, उसके स्ट्रक्चर में और उसके एट्रीब्यूट्स में ये चेंजेस टेक प्लेस करते रहते हैं उस वक्त से लेकर जब वो इस अर्थ सर्फेस पे ओरिजिनेट हुए till the present time. Evolution refers to the change in population, not to an individual. In characteristics में change किसी एक individual में होने को evolution नहीं बोला जाता, बल्कि evolution की term हम उस वक्त पे use करेंगे जब ये characteristics में changes overall the population या उस population के तमाम individuals में take place करे. Next is the processes of organic evolution. It includes two major processes. Number one, alteration in genetic characteristics of a type of organisms over time. किसी खास species के organism में वक्त के साथ साथ उसके genetic characteristics में, means उसके genes में मुसलसल change आता रहे तो उसे evolution बोलेंगे. Number two, creation of new types of organisms from a single type. दूसरे process में अगर किसी species के single type के organisms में कोई न्यू टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो जाएं तो उसको एवोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन. हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन को हम डिस्कस करने के लिए यहाँ लामार्क और डार्विन की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. सी डी बफिन 1707 टू 1788, ही वाज द फर्स्ट टू हिंट एट एवोल्यूशन. बफिन एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन को हिंट किया एंड ही गिव द आइडिया दैट देयर अकर्स द change in species over generation. Then on second number is the J.D. Lamarck 1744 to 1829. He was the first to propose a mechanism of evolution. Jean-Baptiste Lamarck, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया एंड ही गेव द आइडिया दैट biological evolution occurred. Jean-Baptiste Lamarck is famous for his theory of Lamarckism. In 1801, Lamarck gave the theory of inheritance of acquired characters. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए खुद को चेंज करता है तो ये चेंजेस उसके नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो सकते हैं. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट्स, इंटरनल वाइटल फोर्स एंड यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. लमार्किज्म के कंसेप्ट को बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिक एग्जाम्पल जो है दैट इज the elongation of the neck of giraffe. It was believed that first jo giraffe the they were having the short neck aur mostly wo ground surface pe maujood grass khate the, but short neck hone ki wajah se giraffe ki population mein bahut zyada competition maujood tha. So some of the giraffe they start eating the leaves on the branches of trees. So in leaves ki upper se upper branches tak pahunchne ke liye aur neck ka maximum use karne ki wajah se there occurs the elongation in the neck of giraffe. And then long neck giraffe का ये character जो है इनकी next offspring में भी transfer हो गया जिसकी वजह से तमाम giraffe जो next generation में थे they were having the elongated neck. But later on Lamarckism का concept was rejected because next offspring में या next generation में किसी भी character को transfer करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो change in animals के बॉडी सेल्स की बजाय इनके जर्म सेल्स में हो. जर्म सेल्स हेयर मीन्स उनके स्पर्म्स या एग्स में और उनके जीन्स में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन को करेक्टर ट्रांसफर हो सकता है. जस्ट सोमेटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स में चेंज आने की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं हो सकता. देन इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1838. डार्विन 1809 to 1882 proposed this theory after his 5-year voyage on the HMS Beagle. Darwin जो कि एक British naturalist, biologist और geologist थे, so as a naturalist Darwin ने 1831 में इस HMS Beagle पर अपना voyage start किया और उन्होंने दुनिया में मौजूद तमाम continents और इनमें मौजूद different islands, tropical rainforest वगैरह में birds, animals और plants की great diversity को observe किया. अपने इस 5 साल के सफर में
डार्विन ने ओवरऑल द वर्ल्ड डिफरेंट बर्ड्स एनिमल्स और फॉसिल्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और अपनी ऑब्जर्वेशन और डाटा को कलेक्ट किया. ही ऑल्सो पब्लिश्ड हिज बुक इन 1859 दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. And in his book on the origin of species by means of natural selection, he write of his theories of evolution by natural selection. That is the one of the most important work of the scientific study ever published. Early response to Darwin's theory. Because of the lack of sufficient evidence, Darwin's theory of evolution was not widely accepted. Because Darwin ke paas koi sufficient evidence maujood nahi the, jiski wajah se Darwin ki theory ko बहुत अरसे तक एक्सेप्ट नहीं किया गया. मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगेन इन द लेट 1920s एंड अर्ली 1930s. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन. इट डिटरमिन्स द एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इस वक्त दुनिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स कहाँ से इवॉल्व हुए, उनकी ओरिजिन क्या है और उनकी अपने एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको डिटरमिन करने के लिए एवोल्यूशन को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. Next is a theory of special creation. According to anti-evolution ideas, all living things had been created in their current form only a few thousand years ago. It is known as theory of special creation. Theory of special creation ko anti-evolution theory isliye bola jata hai because is theory ke according tamam living organisms apni current form mein as such hi sirf chand hi hazar saal pehle produce hue hain, and this theory is against the theory of evolution because theory of evolution ke according लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू अकल करते हैं एंड ऑल द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. तो आज के टॉपिक में हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके प्रोसेस और उसकी हिस्ट्री को स्टडी किया. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.